नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज मुद्दे की बात ये कि किसान आंदोलन के बहाने राजनीतिक पार्टियां अपनी सियासी पारी खेलने की कोशिश कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाले हैं और इसका जमकर फायदा उठाने के लिए किसानों के सहारे राजनीतिक पार्टियां अपने पत्ते खेल रही हैं। दरअसल किसान आंदोलन के दौरान राकेश टिकैत के रोने के बाद तमाम सियासी पार्टियां न सिर्फ किसान आंदोलन के मंच पर पहुंच गईं, बल्कि अलग अलग जिलों में होने वाली खाप पंचायत में भी उन्होंने शिरकत की। इस दौरान आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी ने पूरी कोशिश की कि किसानों को किसी भी तरीके से लुभा सकें। जयंत चौधरी ने मंच से अपने आप को किसानों का सबसे बड़ा हितैषी बताया और उस किसान आंदोलन के सपोर्ट करने की बात कही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, जिसमें किसान एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है और कोई भी राजनीतिक दल नहीं चाहता कि ये कड़ी उसे छूट जाए। लेकिन जयंत चौधरी जो कि आरएलडी के नेता हैं, वो पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि किसानों को लुभाने के लिए वो हर काम कर सकें जिससे कि उनको ज्यादा से ज्यादा वोट मिल सकें। मुजफ्फरनगर के किसान पंचायत में जयंत चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि अजीत चौधरी को वोट न दे करके किसान संगठनों ने उनके साथ धोखा किया था और आगे अब इसका धोखा न करें इसके लिए वायदा भी दिलाया है। यानी उन्हीं के मंच से किसानों को ये साफ तौर पर कहलवाया गया कि बीजेपी के खिलाफ इस बार आरएलडी के लोगों को वोट देने का काम किया जाए। जयंत चौधरी ने किसानों को लुभाने के लिए इसके लिए बकायदा नमक और गंगा जल लेकर के सौगंध भी खिलाई। यानी उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि किसान किसी भी तरीके से उनके पाले में आ जाए और ये सारा सियासी ड्रामा उन्होंने किसान संगठनों के मंच से ही रचा। वजह साफ है, कृषि कानूनों को लेकर के किसान आंदोलनरत है और बीजेपी के खिलाफ सियासी पार्टियां माहौल बनाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। इस दौरान जयंत चौधरी ने पाला मारने के लिए ये कदम उठाया है। अब जयंत चौधरी किसानों का ज्यादा से ज्यादा फायदा लेने के लिए अलग अलग जिलों में किसान पंचायत कराए जाने की बात कह रहे हैं। यानी आरएलडी अब अलग अलग जिलों में, जिसमें मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, आगरा, मथुरा शामिल है, वहां पर किसानों की पंचायत करेगी और उनको बताया कि आरएलडी उनके हितों की कैसे रक्षा करेगी। साथ ही साथ बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए भी जयंत चौधरी पूरी कोशिश करेंगे। आने वाले पंचायत चुनाव में किसानों के वोट बेहद अहम है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं जहां किसानों के वोट ही निर्णायक साबित होते हैं। इस वक्त जबकि आंदोलन के चलते किसान बीजेपी से नाराज है, ऐसे वक्त में सियासी पार्टियां, खासकर विपक्ष में आरएलडी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, कोशिश ये कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को वो लुभा सके, जिससे बीजेपी से इस नाराजगी का फायदा सबसे पहले पंचायत चुनाव में लिया जा सके, बाद में 2022 के विधानसभा चुनाव तक इसको खींचने की रणनीति दूसरी तरीके से बनाई जाएगी। तो कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुआ ये किसान आंदोलन अब पूरी तरह से सियासी भी हो चला है, क्योंकि पंचायत और विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। इसका नतीजा क्या रहता है और कितना फायदा मिलेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस सियासी खींचतान में हर कोई बस ये कोशिश कर रहा है कि आंदोलन कर रहा किसान उनके पाले में ज्यादा से ज्यादा आ जाए। तो पंचायत और विधानसभा चुनाव के लिए किसानों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की सियासी कोशिश पर ये थी यूपी तक की खास पेशकश। प्रदेश की बाकी ताज़ा और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।